भी ठीक इससे विपरीत है, बस मुश्किल ये है। और उस अभ्यास को तोड़ना, उस नए अभ्यास को शुरू करना कठिन काम है। पर अगर हमारा विचार, अगर हमारी भावनाएं, हमारा रुझान इस तरफ हो जावे तो फिर आसान हो सकता है, इसमें कोई भी नहीं। और योगा, योग का अर्थ है इन सब चीजों में हमारा लीन होना। भूत वृत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा, इन सब में हमारी लीनता। योग का मतलब और नहीं लेना, ध्यान व्यान नहीं लेना यहां पर। और फिर आ गया शांति और शौच। जिसके जीवन में जितनी क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति हो गई है वो उतना ज्यादा सुखी है। देख लो, अच्छा गुस्सा करने वाला सुखी है क्या? आप बताओ, जब अपन को गुस्सा आती तक तो ऐसा ही लगता कि हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। कहो कितनों डांटो हमने उनको, हो गया बच्चू अब ठीक रहे हो तुम, बढ़िया आनंद आ। उस समय ऐसा लगता जैसे बहुत आनंद आ गया। लेकिन अपने दुख का कारण हम स्वयं निर्मित कर लेते हैं। और जो व्यक्ति जिसको क्रोध ही नहीं आता